हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक लोकल सीआरटी टीवी आया है रिपेयर के लिए। इसमें दोस्तों चाइना किट लगा हुआ है। देखिए, इसका पैनल बटन निकाला हुआ है। और दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें सप्लाई लाइन देने पर पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है और दोस्तों टीवी भी चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यही दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है। सप्लाई लाइन जब हम इसमें दोस्तों दे रहे हैं तो देखिए पावर इंडिकेटर नहीं जला है। यह कैबिनेट दोस्तों वीडियोकॉन का है, लेकिन दोस्तों इसमें किट बदला हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको खोल के चेक करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम इस टीवी को तो खोल चुके हैं और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको साफ करना होगा। और दोस्तों खोलने के बाद कुछ पता चल गया है। देखिए दोस्तों, इसका फिल्टर जो कैपेसिटर है वो, यह दोस्तों फिल्टर कैपेसिटर देखिए फटा हुआ है, देख रहे हैं। ये दोस्तों पावर सप्लाई में हमारा प्रॉब्लम है, देख रहे हैं। ये दोस्तों हमारा पीटीसी लगा हुआ रहता है। ये दोस्तों जो डिकोजिंग कॉइल का दोस्तों जो कनेक्शन होता है, यह भी दोस्तों ख़राब हो चुका है, देख रहे हैं। यह भी जल गया है, यहाँ पर जल के देखिए नीचे गिर गया है। और दोस्तों पावर सप्लाई में ही प्रॉब्लम है। तो सब साफ़ सुथरा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्थिर से चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, ठीक है। दोस्तों देखिए, हम इस कैपेसिटर को निकाले हैं जो जला हुआ था। यह दोस्तों 150 μF MFD 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगेगा दोस्तों, वह 100 से लेकर 220 μF तक के बीच में कोई भी कैपेसिटर दोस्तों लग जाएगा। और वोल्टेज दोस्तों 400 से 500 वोल्ट के बीच में दोस्तों लगेगा। यानी दोस्तों 100 μF 450 वोल्ट का कैपेसिटर आता है, 400 वोल्ट का कैपेसिटर आता है, 500 वोल्ट का 100 μF में कैपेसिटर आता है। 100 के बाद दोस्तों 120 आता है, 120 के बाद दोस्तों 150 आता है, 150 आता है, 150 के बाद दोस्तों 180 आता है, उसके बाद दोस्तों 200 आता है, 200 के बाद दोस्तों 220 आता है। तो कोई भी दोस्तों कैपेसिटर लग जाएगा तो 150 दोस्तों अधिकतर आपको मिलेगा लगा हुआ। तो दोस्तों हम भी इसमें 150 कैपेसिटर लगा देते हैं, 150 μF यानी 150 MFD 450 वोल्ट का कैपेसिटर हम भी दोस्तों इसमें पहले लगाते हैं। और यह फ्यूज दोस्तों ख़राब है, यह दोस्तों PTC खराब है। तो यह तीनों दोस्तों हम पहले चेंज कर लेते हैं। और हर कैपेसिटर में दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो दिखाते हैं आपको कैपेसिटर। और किट में भी दोस्तों सिंबल बना हुआ रहता है। तो जो देखिए यहाँ पर जो मोटा आप धारी देख रहे हैं, ये वाला, ये काला वाला, यह दोस्तों हमारा नेगेटिव का चित्र है। तो यहाँ वाला छिद्र में दोस्तों हमारा नेगेटिव का पिन लगेगा और इधर वाला दोस्तों दाएँ वाला पॉजिटिव है। तो कैपेसिटर में भी दोस्तों सिंबल होगा, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए कैपेसिटर, इसमें दोस्तों देखिए जो माइनस का चित्र है, देख रहे हैं, यह दोस्तों ये वाला पिन नेगेटिव है और इधर वाला दोस्तों पिन ये वाला पॉजिटिव है। तो यह कैपेसिटर दोस्तों ऐसे लगेगा, ठीक है। तो हम भी दोस्तों कैपेसिटर लगाकर सोल्डरिंग कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो फ्यूज लगा हुआ था, ये वाला था दोस्तों, ये 4 एम्पियर का फ्यूज है 250 वोल्ट का। तो दोस्तों इतना बड़ा ये जो नेपुल देख रहे हैं, इतना बड़ा नेपुल में हमारे पास फ्यूज अभी अवेलेबल नहीं था। तो हम दोस्तों इसी फ्यूज में एक तार जोड़ दिए हैं, एगो तार देख रहे हैं आप, देखिए ध्यान से देखिए, यही तार दोस्तों जोड़े हैं। ये मल्टी स्टैंड तार है दोस्तों, देखिए इसमें से एक पीस तार लेकर और इसमें हम सोल्डरिंग कर दिए। ये दोस्तों हमारा फ्यूज बन गया, फ्यूज जो जला हुआ था इसको दोस्तों हम लगा देते हैं, ठीक है, ये बैठा दिए। और दोस्तों इसमें PF टाइप का जो हरा कलर का PF रहता है दोस्तों, ऐसा इसमें दोस्तों ऐसा वैसा ही PTC लगा हुआ था। तो हम दोस्तों हमारे पास PF टाइप का हमारे पास PTC नहीं है, हमारे पास इस किस्म का PTC है। तो दोस्तों हम यह भी PTC लगा देंगे तो चल जाएगा। PTC का काम है दोस्तों डिकोजिंग कॉइल का कनेक्शन देना। हमारा डिकोजिंग कॉइल काम करता है कलर को एडजस्ट करने का, जो कलर डिस्पैच हो जाता है, तिरंगा टाइप की आ जाता है, कहीं स्क्रीन पर लाल ब्लू हरा धब्बा आ जाता है, उसको दोस्तों यह रोकने का काम करता है। तो ठीक है, तो दोस्तों इसको भी हम लगा देते हैं। दोस्तों हम इसमें सब कुछ लगा दिए हैं
अब हम सप्लाई देंगे इसमें, और सप्लाई देंगे सीरीज बोर्ड से, ठीक है, सीरीज सप्लाई देंगे, क्योंकि दोस्तों किसी प्रकार का अगर आगे शॉर्ट होगा तो सीरीज बल्ब दोस्तों हमारा पूरा देर तक जलते हुए रह जाएगा, डिम नहीं होगा, तो हम फिर आगे शॉर्ट के लिए दोस्तों चेक करेंगे। अगर डिम होके फिलामेंट जल जाएगा तो दोस्तों टीवी हमारा चालू हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये हमारा सीरीज बोर्ड है, चलिए इसमें सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई दोस्तों हम दे चुके हैं, देखिए हमारा सीरीज बल्ब डिम हो गया और डिम होके दोस्तों फिलामेंट जला है, पावर इंडिकेटर भी दोस्तों हमारा जल गया, टीवी दोस्तों हमारा चालू हो गया है, स्क्रीन पर लाइट भी आ गया। चलिए स्क्रीन दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों स्क्रीन देख रहे हैं, ये पावर इंडिकेटर दोस्तों नीचे ब्लू टाइप का ब्लू इंडिकेटर हमारा जल रहा है, टीवी दोस्तों चालू हो गया है, थोड़ा सा दोस्तों ऊपर और नीचे से दोस्तों हमारा पिक्चर कट रहा है, छोटा आ गया है, तो दोस्तों इसको हम सर्विस मोड ओपन करके मिला देंगे, यह दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो किट लगा हुआ है दोस्तों, यह किट है 8873-6PR6 सिस्टम आईसी वाला दोस्तों किट लगा हुआ है नया, ठीक है। तो दोस्तों टीवी का प्रॉब्लम सही हो गया, केवल दोस्तों हमारा खराब था, फिल्टर कैपेसिटर जल गया था और फिल्टर कैपेसिटर दोस्तों खराब हुआ था हाई वोल्टेज के कारण, ठीक है। तो यह दोस्तों हमारा जला था, तो सारा कुछ दोस्तों हम ओके कर चुके हैं, तो इस टीवी को दोस्तों पुनः हम कैबिनेट में कस देंगे और ये भी कोड लगाएंगे तो दोस्तों पिक्चर भी आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम था दोस्तों कि टीवी में सप्लाई लाइन नहीं जा रहा था, टीवी हमारा चालू नहीं हो रहा था, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगे तो बाईं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।